लोकसभा चुनाव के बाद अब है पार्षदों की बात, इसलिए अब हम यही जाने क्योंकि नवंबर या दिसंबर में पार्षदों के चुनाव होने वाले हैं, तो आप पार्षदों चुनाव के बारे में जानेंगे लोगों से कि यहाँ के पार्षद ने कुछ काम कराया है या नहीं। हमारे साथ बहुत सारी जनता भी मौजूद है, अपने पार्षद के बारे में बताएगी कि यहाँ के पार्षद ने क्या काम कराया है क्या नहीं, उन्हीं के मुँह से पूरी बात सुनेंगे और सब आपको भी दिखाएंगे। वहीं पहुँचे हैं आज नेटवर्क टोला जो कि जूही में पड़ता है, बारह दिन में पड़ता है, आज यहाँ पहुँचे हैं। आज पूरी जनता का विचार आपको बताएंगे कि उनके मन में जो पार्षद चुनाव को लेकर अपने पार्षद को लेकर कितना प्यार और कितना गुस्सा, दोनों चीज आपको बताएंगे। तो वही आज हम जानने जनता के बीच मौजूद है। आज हम देख सकते हैं कि यहाँ पे कितनी नालियां फटी हुई हैं, डेंगू मलेरिया इतना फैला हुआ है, जिसके बाद भी आज प्रशासन देखिए अभी भी नालियां कानपुर जाए तरफ। योगी सरकार कहती है कि कानपुर स्मार्ट कानपुर होता जा रहा है या यूपी स्मार्ट होता जा रहा है, मगर यहाँ की जो स्मार्टनेस आप देख सकते हो, यहाँ पर नालियाँ नहीं है, नालियों को बचा था, पानी है सफाई कराने, और यहाँ पे आप मेरे पीछे आवाज भी सुन रहे होंगे, काफी लोग हैं जो अपनी गुहार लगा रहे हैं। अम्मा बहुत परेशान है, कह रही है कि हमारे पार्षद कुछ नहीं कर रहे हैं। अम्मा क्या हुआ बेटा, यहाँ कोई देखभाल नहीं करता, हमारी नालियाँ गंदा रही है, हम मरे जा रहे, बीमार है, दो पैसा हमारे पास दबक नहीं, हम कहाँ से लाएंगे, हमारी कोई व्यवस्था नहीं है। मायावती हाथी पे हमारी कोई नहीं सुनवाई हो रही, देखो नालियाँ गंदा रही, बेटा इधर आने दो, हाथी मच्छर इलाज करने के लिए पैसे नहीं है, विधवा की पेंशन नहीं बन रही है, बिना मतलब में हम लोगों की जान ले रहे हैं। ये सिद्धवाई नगर थाना भी हमको कभी कभी आजीत कर लेता है, वारंट भेज देते, सीधा सम्मन नहीं भेजते, गरीबों की कोई चिंता नहीं सुनती है, पब्लिक भीड़ लगा लेती। हम नाली लगाने वाले हैं, किस पार्षद को हम समझे, कौन है विधायक, कौन है क्या, हम सब के लिए मर चुके हैं, अब हम बैठने जा रहे हैं। अभी सुना जनता की राय, की जनता ने अपनी बात बताई कि कैसे जो लोग हैं कैसे पार्षद से नाराज हैं, यहाँ पे नालियां भटभटा रहे हैं, कैसे पीछे आ रहे हैं, कूड़ा भी भटभटा रहा है, मगर आज भी सफाई के लिए, मगर जो भाजपा के नेता है अपने पोस्टरों में पैसा खर्च करते हैं, वो पोस्टर उसके बाद फट जाता है, ये सब होता है, मगर अभी चुनाव का रंग है तो सब कुछ आता है, चुनाव के बाद जब ये रंग खत्म हो जाता है तो चुनाव के बाद जनता को भूल जाती है नेता। और आपको बता दें कि सबसे बड़ी बात है, आप देख सकते हैं इस समय डेंगू मलेरिया जो है वो काफी तेजी से चल रहा है, और लगातार गैया जो भी है डेंगू पॉलिथिन का सेवन कर रही है। आपको बता दें कि ये जूही लगता है, आज हम यहाँ पे जनता से जाना कि कैसे यहाँ पे विकास का जो नाम है वो नाम यही है, लगातार नालियाँ हैं वो बचा रही है, वो सब हमने आपको वहाँ की तस्वीरें दिखाएंगे, ऐसे लोग नाराज थे वो भी तस्वीरें दिखाई। और वहीं आज हम जो हमारा जो पार्षद चुनने का जो शुरू कर रहे हैं वो आज हमने जूही नेटवर्क टोला से शुरू किया, और आज आगे की भी हम चीज़ें आपको लगातार दिखाती आएंगे, जैसे यहाँ पे जो विकास रोल है वो कितनी ढीली पड़ रही है, स्मार्ट की जगह कानपुर बचा रहा है, कूड़े से कूड़ा दिख रहा है हर जगह, ये सब बहुत अहम है, क्योंकि पार्षद चुनाव में यहाँ के पार्षद ने कुछ काम नहीं कराया, जिसका गुस्सा जनता के बीच टूटा है और जनता ने सबको दिखाया भी है, वही लगातार जनता का गुस्से में भी दिखती है, यहाँ पहुँचे यहाँ पे भी हमने बोले।